हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चैलेंजेस मॉर्निंग, कैसे आप लोग? चलिए बेटा, अभी तक हमने स्टडी किया है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो लेट्स मूव टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी तक हमने इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल चीजों की स्टडी की ना, अभी हम लास्ट से टोटल सभी चीजों की टोटल का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अभी तक हम छोटे छोटे हिस्से को, अभी पूरे नेशनल इकोनॉमी को हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट करते थे, छोटे छोटे टुकड़े करते थे और उनकी स्टडी करते थे, और अभी ऐसे नहीं करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दी टोटल इकोनॉमिक यूनिट्स। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमिक यूनिट्स है बेटा, उसकी टोटल स्टडी करेंगे। लाइक नेशनल, टोटल नेशनल, नेशनल इनकम हो जाएगा, उसके बाद फिर फुल एम्प्लॉयमेंट की हम बात करेंगे, समझ रहे ना, टोटल एम्प्लॉयमेंट रहेगा उसके अंदर भी, और आउटपुट, टोटल आउटपुट। हाँ, तो हर एक चीज जो भी होगा यहाँ पे बेटा, टोटल या फिर आप उसे बोल सकते हो एग्रीगेट की हम बात करेंगे। हाँ, तो पहले हमने एक्सप्लेन कर लिया था, हमने समझ भी लिया था बेटा कि क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है मैक्रो को हम क्या करते हैं, टोटल का हम स्टडी करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट डील्स विद, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। ये सभी वर्ड्स याद होने चाहिए, टोटल एम्प्लॉयमेंट। हाँ, पूरा सबका एम्प्लॉयमेंट का जो स्टडी होगा इसके अंदर आ जाएगा। नेशनल इनकम, पूरे नेशन का इनकम, तो भी पूरा सब बड़े उस पे कर रहे हो आप, हाँ पैमाने पे कर रहे हो, तो बेटा वो सब इसमें आएगा मैक्रो में। हाँ, नेशनल आउटपुट, ठीक है, तो देखो आप जो भी चीजें रहेंगी ना, सब लास्ट स्केल पे रहेगा। हाँ, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। तो जो चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आता था, सभी अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे, क्योंकि माइक्रो में सब स्मॉल स्केल पे थे, अब यहाँ पे लार्ज स्केल में हम स्टडी कर रहे हैं, पूरा टोटल 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 सब में लगाने का, एज इट इज लिखने का। तो यहाँ पे क्या करते बेटा, इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, देन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, सेविंग एंड देन इन्फ्लेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सारी चीजें हैं ऐड करने का। हाँ, क्लियर हो गया, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें से वर्ड्स अगर आप कम करते हैं तो आपके मार्क्स जाएंगे। क्लियर हुआ इतना, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? आगे, इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, क्योंकि हर एक चीज हम टोटल की स्टडी करते हैं, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ड्यू रीजन में दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, तो आप बताओगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, क्योंकि हम सभी टोटल के बारे में पढ़ रहे हैं। दस इट इज नोन एज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। क्लियर हुआ, सबको ऐड कर देना, सबको मिला के करते हैं ना, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट। हां, ओके, नाउ अभी ये हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन, जैसे हमने माइक्रो का भी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लिया था। नाउ एज पर जीएल हैंसन, जीएल हैंसन के अकॉर्डिंगली क्या इसका डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद, व्हिच कंसीडर्स रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स। जो भी लार्ज एग्रीगेट्स होते हैं, बड़े-बड़े एग्रीगेट्स होते हैं बेटा, एग्रीगेट मतलब टोटल, कंफ्यूजन नहीं करना है। हां, एग्रीगेट बोले तो टोटल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लार्ज जो एग्रीगेट्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन की स्टडी करना उसमें आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह पे एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार, टोटल सेविंग्स, कितना सेविंग्स है टोटल, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, नेशनल इनकम कितना है, तो जो चीजें आप यहाँ पे लिखी हो ना, वो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। ऐसे प्लेस इन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, इट कंसीडर, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच कंसीडर्स रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स सच एज, आगे ये सब पॉइंट्स लिखेगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। क्लियर हुआ, जेएल हैंसन का डेफिनेशन समझ में आ गया बेटा। नाउ एज पर प्रोफेसर कार्ल शैपिरो, हां कार्ल शैपिरो के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, इट डील्स विद, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं, इसको हम लोग छोटे छोटे स्लाइस करके नहीं पढ़ते, पूरा इकोनॉमी साथ में ही पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, ये तीन डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए, आप टेक्स्ट बुक से लिखेंगे, यहां से नोट्स में, यहाँ जो मैंने नोट्स लिख के दिया है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, वहां से रीड करके फिर नोट्स बनाएंगे। क्लियर बेटा, लेट्स मूव टू स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते बेटा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, पहला चीज इसका स्कोप क्या है, थियरी ऑफ
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी क्या करता है बेटा, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है उस चीज को स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम यूज कर सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करके हम नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। अभी इनकम, नेशनल इनकम, अच्छा इनकम मतलब क्या हो गया, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे बेटा उसका वैल्यू, जितना गुड्स एंड सर्विसेज अपने कंट्री में ज्यादा होगा, बनेगा, प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा हमारा नेशनल इनकम होगा। मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो अपने कंट्री में, इसलिए मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया चिल्ला रहे ना हमारे प्राइम मिनिस्टर। वो क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि अपने देश में प्रोड्यूस होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो हमारा नेशनल इनकम होगा। मतलब हमारी इनकम फिर बढ़ जाएगी, गुड्स अगर हम ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारा क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगा बेटा। तो अल्टीमेटली क्या है, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है। अब इसको समझने के लिए, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए, अच्छा इस ये जो थ्योरी है बेटा ये J.M. Keynes ने दिया है, तो आप याद रख सकते हो, इट इज गिवन बाय J.M. Keynes, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया बेटा, इसको जो भी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए दो थ्योरी और समझनी पड़ती है, दैट इज थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अभी देखो ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज आपके बुक में नहीं दिया गया है क्या है कैसे, अभी आपको नीड नहीं है, फिर मैं आपको बता के देता हूँ कि ये सब चीजें है क्या। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ये थ्योरी ये मानती है कि अगर अगर आपके हाथ में, मतलब कंज्यूमर जो भी है हाँ उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, मतलब उनकी अगर इनकम बढ़ जाती है तो कंजम्पशन की कैपेसिटी उनकी जो होगी ना वो बढ़ जाएगी। ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा कमाने लगे तो ज्यादा खर्चा होता है, बात समझ में आ रही है ना बेटा। तो ये यही मानते हैं कि थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कि अगर कोई भी जो कंज्यूमर है उसके पास ज्यादा अमाउंट आता है तो उसकी परचेसिंग पावर जो होती है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है, खरीदने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारी नेशनल इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। ये हो गया थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अभी आपकी इनकम बढ़ती है बेटा, इनकम बढ़ रही तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है, ये एम्प्लॉयमेंट हो पाएगा क्या, नहीं। तो इन्वेस्टमेंट जो है किसी भी चीज में, बिजनेस, अभी इन्वेस्टर्स को हम लोग बाहर देश से मंगा रहे हैं, इंडिया में बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, भैया यहाँ पे आइए इन्वेस्ट कीजिए, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज बनानी होती है रिगार्डिंग द इनकम एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट, उसको स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ये जो बेटा कंजम्पशन फंक्शन होता है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है, दोनों मिला के हो जाते हैं थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस में ही होगा, कंज्यूम होगा तो कोई ना कोई इन्वेस्ट करेगा तो प्रोडक्शन होगा फिर से कंजम्पशन होगा, तो ये पूरा बिजनेस साइकिल चलते रहता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाँ कि चीजें है क्या। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग जो एनालिसिस होती है वो की जाती है बाय यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर नेशनल इनकम बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ, मैंने बोला नेशनल इनकम मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनना, तो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है, बात समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोजगार ज्यादा होगा, लोग ज्यादा काम करेंगे तभी तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है नेशनल इनकम पे। तो नेशनल इनकम जैसे इंक्रीज होता है तो हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों बहुत रिलेटेड है और ये चीज जो था J.M. Keynes ने एक्सप्लेन किया था। ये समझ में आ गया पहला थ्योरी क्या है, बेसिक आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, ये सब क्या होता है ये सब आपके बुक में नहीं दिया है, जस्ट एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करके वी कैन कंप्यूट नेशनल इनकम एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट लेवल। हां, एंड फॉर कंप्यूटिंग दिस थिंग्स वी शुड नो द कंजम्पशन फंक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। हां, और ये दोनों मिला के क्या हो जाते हैं, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। पहला पार्ट समझ में आ गया, पहला स्कोप क्या है। सेकंड वन इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन।
जनरल प्राइस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इन्फ्लेशन महंगाई जो होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, अब जो जनरल प्राइस लेवल निकलेगा तो ही पता चलता है इन्फ्लेशन आया है, डिफ्लेशन है, क्या है, कैसे क्या कंडीशन है, वो समझने के लिए अपने को जनरल प्राइस लेवल निकालना पड़ता है। अब जनरल प्राइस लेवल क्या होता है आपके बुक में नहीं दिया गया है, फिर भी आप समझ लीजिए, हमें डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है बेटा, ये ऐसा पैमाना है, इट इज अ इंडेक्स that measures the change in price of goods in an economy over time. time के हिसाब से कोई भी goods का, कोई particular goods का जो price होगा कैसे change होता है किसी भी economy में, and hence purchasing power of a currency of a country. आप देखते रहेंगे बेटा, आज बोले सर एक डॉलर 75 रुपीस था, तो कल पता चलता है 75 का 76 हो गया, या एक दो महीने बाद तो देखोगे तो आप 80 रुपीस तक पहुंच गया। तो ये जो चेंज कैसे हो रहा है बेटा, एक कंट्री का जो परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, कंट्री का परचेसिंग पावर कम हो जा रहा है उसके करेंसी के हिसाब से, क्यों हो रहा है वो? जनरल प्राइस लेवल। तो क्या होता है ना, इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल निकाला जाता है, ये कैसा पैरामीटर होता है, एक ऐसा इंडेक्स होता है दैट मेजर द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से उस इकोनॉमी में चीजों की कीमत, जैसे अभी मैं कोई पर्टिकुलर एक मोबाइल ले लिया, वो मोबाइल की कीमत अपने करेंसी में क्या हो रहा है और दूसरे करेंसी में क्या हो रहा है, तो मेरी करेंसी में उसमें कितना चेंज आ रहा है, हाँ? वो चीजें हम निकालते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी में टाइम के हिसाब से उसमें कितना चेंज आ रहा है, फिर उससे हम रिलेट करते हैं उनकी कंट्री के, भाई उनके कंट्री में कितना, मतलब पर्टिकुलर डॉलर में है तो डॉलर में कितने में मिल रहा है, और फिर हमको समझ में आता है कि भाई हमारा परचेसिंग पावर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, फिर वहां से कंप्यूट किया जाता है कि एक डॉलर कितना रुपीज हो जाएगा। तो ये जो चीजें होती है ना, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए जनरल प्राइस लेवल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड डालना है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू फाइंड आउट द जनरल प्राइस लेवल एंड हेंस द इन्फ्लेशन, ठीक है? वहां से हम इन्फ्लेशन भी बता सकते हैं, महंगाई हो रही है या नहीं हो रही परचेस। अब देखिए सब चीज उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जनरल प्राइस लेवल ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है उसके ऊपर सब चीजें डिपेंड करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, मैं आपको बहुत सारा डिटेल में बता के दे रहा हूँ। हाँ, आइए, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है बेटा वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी एनालिसिस करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभी कोई कंट्री जो है डेवलप्ड है, कोई कंट्री डेवलपिंग है, कोई तो एकदम से अंडर डेवलपमेंट ही चालू है वहां पे, हाँ? तो वो कंट्रीज के अंदर कौन सी कंट्री किस स्टेज में है, उनके ग्रोथ के लिए क्या क्या हम पॉलिसीज बना सकते हैं, तो पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हाँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं। द लास्ट वन इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेशनल इनकम तो आया, बराबर है, जितनी भी सामान बनी है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, दैट इज आवर नेशनल इनकम, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है? उसमें आप जीडीपी वगैरह सब चीजें आएंगी, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ना। ओके, ना तो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, वो तो टोटल नेशनल इनकम है, बट वो पूरा का पूरा पैसा, अभी मैंने कोई चीज बनाया है, समझ लीजिए मैंने 10 मोबाइल फोन प्रोड्यूस किए, बराबर है, एक मोबाइल फोन की कीमत मार्केट वैल्यू मान लो 15,000 है, तो 15,000 इंटू 10 कर दिया मैंने, 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, तो मतलब हमारा नेशनल इनकम कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, मान लो मैं एक इकलौता प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है? हाँ, तो 1.5 लाख रुपए हो गया, 1,50,000। अब 1,50,000 पूरा का पूरा नेशनल इनकम है, वो तो मैं मान गया, लेकिन अब वो पूरा का पूरा पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बात समझ में आ रही हो? वो पूरा का पूरा पैसा मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ऑब्वियसली यार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा होता है, चाहे माइक्रो लेवल पे स्टडी करो चाहे मैक्रो लेवल पे स्टडी करो, माइक्रो का तो एक इंडिविजुअल कंपनी का करोगे, मैक्रो लेवल पे करोगे तो पूरे नेशन का करोगे। हाँ, तो हम वो देखते हैं कि जो भी हमारा इनकम है उसमें से बेटा रेंट पे कितना मुझे, अभी वो पूरा 1.5 लाख रुपए, वैसे मैं कुछ पैसे क्या करूंगा, रेंट पे करूंगा, कुछ वेजेस पे करूंगा, किसको, लेबर्स को पगार देना पड़ेगा ना। हाँ, देन इंटरेस्ट, अगर मैं किसी से पैसे लेके कंपनी डाला हूँ, हाँ, या लोन लिया हूँ, देन आई हैव टू पे इंटरेस्ट एज वेल, बराबर, एंड प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम, अब जो बचा कुचा रहेगा दैट विल बी माय प्रॉफिट।
तो वैसे ही नेशनल इनकम में भी वैसे ही होता है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, कितना परसेंटेज रेंट पे जा रहा है, क्या इंटरेस्ट पे जा रहा है, क्या वेजेस पे जा रहा है, हाँ, एंड कितना उसको प्रॉफिट है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि लेबर्स का इनकम कितना हो रहा है, क्या लेवल पे हो रहा है, तो सब चीजें जो है दैट इज मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया बेटा चारों थ्योरी? अगर एग्जाम में आ गया तो आपको पहले चार्ट बनाना है और इंडिविजुअली एक एक थ्योरी लेना है जिनके बारे में चार पांच लाइन आपको दिखाना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हां, या फिर व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स स्कोप। क्लियर हो गया बेटा?